Assalamu alaikum viewers, hope you all will be fine and spending the happiest time. This is Umair Sharif, the General Manager of Uneven Sons. Once again, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ. And today our topic is about the metal sheet and its usage in industrial and commercial machinery as well. जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे metal sheet और इसका इस्तेमाल industrial और commercial machinery में किस तरह हो रहा है. So let's start the video. तो बेसिकली जो मेजर टाइप्स हैं स्टेनलेस स्टील शीट्स की, जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मशीनरी में यूज़ हो रही हैं, वो छः हैं, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास अलॉय स्टील है, उसके बाद कार्बन स्टील है, फिर स्टेनलेस स्टील है, टूल स्टील है, गैल्वनाइज स्टील है और एलुमिनियम शीट्स है. अच्छा जी, इन जो छः कैटेगरीज हैं जो मेजर इनकी, उनमें से हम सिर्फ कुछ को डिफ़ाइन करेंगे ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए और ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर अप करेंगे जो रेलिवेंट हैं डायरेक्टली टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मशीनरी में जो शीट्स इस्तेमाल हो रही हैं और जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उनके. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो आयरन के बारे में है. हमारे पास आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ होता है. ये मेरे पास एक पीस है उसका, आयरन शीट का, और ये बेसिकली हमारी इस्तेमाल हो रही है इंडस्ट्रियल कमर्शियल मशीनरी में. मुख्तलिफ जो अनटचिंग है, जो नॉन टचिंग पार्ट्स हैं, जो लाइक स्टेयर्स हैं हमारे पास, और जो आउट ऑफ द डिपार्टमेंट जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं या जो टूल्स होते हैं या इसी तरह का जो पास थ्रू एरियाज होते हैं, उनमें ये शीट इस्तेमाल की जा रही है. इसके ऊपर कोटेड करते हैं और या इसे क्रोम करते हैं, दो इसके तरीका इस्तेमाल होते हैं. या वो इनके ऊपर स्प्रे करके कलर कर देते हैं और या इसके ऊपर क्रोम की एक जो है वो थिन सी लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि वो एंटी कुरियन हो जाए और इसके ऊपर जो रस्ट नज़र आता है वो बज़ाहिर ना हो. तो इसे सेव करने के लिए ये दो जो है वो तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इसी वजह से इंडस्ट्री में ये कॉमनली यूज़ हो रहा है जी. तो आयरन की जो शीट यूज़ होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल मशीनरी में हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बाद हमारे पास जो टोटल रेंज आती है वो स्टेनलेस स्टील की आती है. ठीक है, स्टेनलेस स्टील वाइडली रेंज के ऊपर हमारी जो है इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अंदर कुछ खास स्पेसिफिक सीरीज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही है, ना कि ऑल टाइप्स ऑफ जो वो स्टेनलेस स्टील है वो यूज़ किया जा रहा है. तो बेसिकली हम आयरन को अभी स्किप करेंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और हमारी जो फर्दर डिस्कशन होगी वो सारी जो है वो स्टेनलेस स्टील के मुतालिक अभी जी. तो ये छः टाइप्स मेरे पास अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मशीनरी में वाइडली इस्तेमाल हो रही हैं. सो ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील की छः इकसाम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले जो नंबर वन पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो SS201 है, ठीक है. इसके बाद मैं आपको इनकी ये कोडिंग वगैरह और वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट द सिक्स टाइप्स. तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो SS201 है, और नंबर टू पर है हमारे पास SS202, ठीक है, SS202 है. नंबर थ्री पर हमारे पास है SS301, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है SS304, ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है SS316, 316 जिसे कहते हैं. और इसके बाद जो छठी है वो हमारे पास आ जाता है SS316L, ठीक है. अब इनमें मैं आपको बता देता हूँ ये शीट्स के जो नंबर्स हैं, ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील में एक सीरीज़ आती है जिसमें 200 सीरीज़ है, 300 सीरीज़ है और 400 सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू AISI, ठीक है. अब ये AISI क्या है, ये बेसिकली है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूशन. ये एक इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का, जिन्होंने ये डिफाइन की है तीन सीरीज़ स्टेनलेस स्टील की. उनमें 200 सीरीज़ है, 300 सीरीज़ है और 400 सीरीज़ है. 400 सीरीज़ को हम स्किप करेंगे क्योंकि वो बहुत ही कम इस्तेमाल में आ रही है ड्यू टू वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल. सो बेसिकली जो 200 सीरीज़ है और 300 सीरीज़ है वो हमारी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल की जा रही है. अब ये तो होगी 200 सीरीज़. अब 200 सीरीज़ में जो दो मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो SS201 है और SS202, ये दोनों जो पड़े हैं जो मैंने आपको दिखाए.
SS201 और SS202। SS201 इस्तेमाल होता है हमारे जितने भी नॉन टचिंग पार्ट्स हैं या जो हमारे स्टेप ओवर बनते हैं या कुछ इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो किसी मटेरियल के साथ टच नहीं होंगे, तो वो हमारे जो है वो SS201 में बनते हैं। ठीक है, तो ये 201 वाले जो हैं वो हमारे सारे नॉन टचिंग पार्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ इसके अंदर इक्विपमेंट बनते हैं जो आपके नॉर्मल जो है जिनमें आपको रस्ट का इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता, क्योंकि ये हल्का सा जो है वो रस्ट ये क्रिएट करता है विद एसिडिटी, आपका जो एसिड वगैरह हो गए हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और मुख्तलिफ और आपके जो है वो केमिकल्स हैं उनके साथ ये चीज़ रिएक्शन करती है। अब इसमें आपके ये दो जो है वो यूज़ होते हैं SS201 और SS202। आपको कंपैरिजन बता देता हूँ SS201। SS बेसिकली जो है वो एब्रिवेशन है या शॉर्ट फॉर्म आप कह लें या उसे शॉर्ट में लिखा है, ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील को SS कहते हैं। और 201 जैसा मैंने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ सीरीज़ है जो कि AISI जो अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूशन ने बताया हमें कि ये सीरीज़ है, उसमें से एक नंबर है 201 का। ठीक है, और अब ये 201 और 202 है आपके पास, इन दोनों में कंपैरिजन ये है कि जो SS201 है ये थोड़ा सा कम है स्लाइटली 202 से, मीन्स जो बेहतर है वो 202 है, SS202 है। इसमें क्रोमियम की थोड़ी सी मकदार स्लाइटली जो है ना वो इसमें ज़्यादा है, इसमें चमक और शाइन थोड़ी सी ज़्यादा आती है, बाकी ये दोनों मटेरियल आलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्रोमियम के कुछ पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से ये इसमें बेहतर है। जी अगली जो हमारे पास सीरीज़ है वो 300 है। 300 सीरीज़ में हमारे पास है 301 और 304 जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मटेरियल। 301 में भी उसी तरह जो क्रोमियम है और निकल है वो कम है बनिस्बत 304 के, और 304 में ये चीज़ ज़्यादा है। अब 304 हमारा इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जितनी हमारी पेंट इंडस्ट्री है, जितनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितनी हमारी फूड इंडस्ट्री है, जितने हमारे ये बर्गर पॉइंट शवारमाज पॉइंट है ये, और जो भी हमारे आप कह लें लुब्रिकेंट एंड ऑयल्स वाले हैं वो हैं, और आइसक्रीम ले लें आप, और कुछ सेलेक्टिव जो फूड्स के डिपार्टमेंट हैं जिनमें एसिड वगैरह की मकदार कम है या सिट्रिक की मकदार कम है, उसमें 304 हमारा जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जो 300 सीरीज़ में ही है वो हमारे पास आ जाता है SS360, 316 जिसे कहा जाता है, और इसके साथ हमारे पास आ जाता है एक SS316L। अब ये 316 और 316L में क्या फ़र्क है, L बेसिकली जो है 316 के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है लो कार्बन को, वो शो कर रहा है लो कार्बन को कि इसमें कार्बन की मकदार बहुत कम है, और ओरिजिनली अगर ये आपके पास ताइवान का मटेरियल हो 316L का तो उसमें कार्बन 0.08% होता है जो कि ना होने के बराबर है, और ये मटेरियल आपका 316 वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, ये वाटर को रेजिस्ट कर रहा होता है, और इनकी जो शाइन है इसमें बिकॉज इसके अंदर निकल और क्रोमियम की मकदार ज़्यादा होती है उसकी वजह से इनमें शाइन बहुत ज़्यादा है, और ये फूड ग्रेडेड मटेरियल है। 304 भी आपका फूड ग्रेड है लेकिन चूंकि एसिड रिएक्शन करते हैं, लाइक अगर आप जूस का कोई टैंक वगैरह बनाते हैं तो वो आपका 316 में बनता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जूस के अंदर आपके सिट्रिक एसिड इस्तेमाल होते हैं और वो 304 के साथ कंटेमिनेट करते हैं, सो इस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 316 में जो है उसे लेके जाएँ। आपके जितने केमिकल्स की मिक्सिंग है वो 316 में होती है, आपकी जो HR हेयर रिमूवल क्रीम है वो आपकी 316 में बनती है, आपकी जो फेशियल क्रीम है वो 316 में बनती है, आपके जो हेयर कलर्स हैं वो 316 में बनते हैं, आपके शैम्पू जो हैं वो 316 में बनते हैं, इसके अलावा और काफ़ी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिट्रिक या एसिडिटी या एसिड वगैरह मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल करें वो आपके 316 में होते हैं, इनसे ज़्यादा जो कॉन्शियस हैं वो 316L में लेके जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो केमिकल्स हैं हमारे हाई पोटेंसी के वो 316L में बनते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक लाइट सा जो है वो फ़र्क है 316 में और 316L में। अब इनमें एक आ जाती है शीट की गेज। एक्चुअली जो गेज है वो अक्सर आपने देखा होगा कि राइटअप में लिखते हैं SWG, ठीक है, मतलब 16 गेज लिखा है, तो
16 SWG राइटअप में लिखा होगा, या आप जो भी कोटेशन और इन्वाइसेज आप रिसीव करते हैं उसके अंदर 16 SWG लिखा होता है। वो बेसिकली जो SWG है वो स्टैंडर्ड वायर गेज लिखा होता है, SWG। अब ये पूरा जो वर्ड है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, BSWG, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में SWG लिख देते हैं ताकि वो आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है। और लास्ट पॉइंट पे, बहुत से कस्टमर्स मैन्युफैक्चरर से कोटेशन वगैरह रिसीव कर लेते हैं जिनके अंदर फ़र्क आ जाता है प्राइजेस का, तो वो प्राइजेस का फ़र्क बेसिकली गेजेस और मटेरियल की वजह से आता है। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो ये नहीं चाहेगा कि वो आपको ज़्यादा लेबर चार्जेस डाले, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब असल जो चीज़ होती है वो गेजेस और मटेरियल की होती है। लेट सपोज मैं आपको 201 की दिखाऊँ। अब SS201 जो शीट है, ये मेरे पास SS201 है और ये मेरे पास SS202 शीट है। अब कस्टमर आपको कहेगा कि मैं आपको SS202 लगा के दूंगा जो कि अच्छी शीट है बनिस्बत SS201 के, लेकिन वो आपको जो चीज़, जो प्रोडक्ट आपको देगा वो SS201 का देगा। अब इन दोनों के अंदर प्राइस का डिफरेंस भी है, ठीक है, और कोई भी ये जज नहीं कर सकता बिकॉज इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। अगर आप इसका कोई भी चेकिंग भी करेंगे, आप इसमें कोई एसिड लगा के भी चेक करेंगे तो आपको फ़र्क जाहिर नहीं होगा। सो इसी तरह नंबर 2 पर हमारे पास आता है 301 एंड 304। इन दोनों के अंदर भी इसी तरह स्लाइटली डिफरेंट है, 0.05% का जो आपका क्रोमियम है उसमें और निकल में कम है, ठीक है, और इसे भी आप जब पॉलिश करते हैं तो वो आपका ऑलमोस्ट दोनों प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं। तो 301 और 304 में ये डिफरेंस है। इसके बाद हम नंबर 3 पे आ जाते हैं, 316 में और 316L में। 316L की कमिटमेंट होती है लेकिन लगता 316 है, उसी वजह से आपकी प्राइजेज रेंज जो है वो नीचे आ जाती है और वो आपको पता भी नहीं लगने देते कि किस तरह वो आपके साथ चीट कर रहे हैं। अब इन सभी प्रोडक्ट्स में से अगर मैं डिफाइन करूंगा कि आपको किस में जाना चाहिए तो 202 में आप बिल्कुल कोई प्रोडक्ट ना बनाएं। 201 इज बेटर देन 202, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर पॉलिशिंग अच्छी कर लें, एक स्टीरॉयड मिलता है आप बफिंग का वो इस्तेमाल कर लें, तो आपका 201 लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, उसके ऊपर कोई भी कुरैयन रस्ट फ्री वो हो जाएगा आपका फॉर द टाइम बीइंग। इसी तरह अगर आप 301 और 304 में अगर आप कंपेयर करना चाहें या सिलेक्ट करना चाहें तो आई विल गो विद द SS304 बिकॉज ये बेटर है देन 301 के। इसी तरह 316 और 316L में अगर आप जाएं तो 360 इज बेटर। 316L इज टू मच एक्सपेंसिव, 316 एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर आप 316 के अंदर ही अपना काम कर रहे हैं तो आपको 316L में बनवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ केमिकल्स जो हाई पोटेंसी हैं उनके लिए आई विल रिकमेंड डैट कि वो 316L में करें, अदरवाइज यू शुड टू गो विथ 316 ओनली। सो ये बेसिकली तीन जो है हमारे पास वो शीट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, SS201, SS304, SS316। ये वो शीट्स जो हमारी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मशीनरी के अंदर यूज़ हो रही हैं रेगुलर बेस पे और वाइडली रेंज के ऊपर हो रही हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अराउंड द वर्ल्ड ये चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्हें रेफ़र करते हैं, जिस तरह FDA है, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और पाकिस्तान में हमारे पास ड्राप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो भी ये चीज़ों को रिकमेंड करते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर फूड ग्रेड होनी चाहिए और फूड ग्रेड कौन सी शीट है और कौन सी शीट फूड ग्रेड नहीं है, कि किस काम के लिए और किस कैटेगरी के लिए कौन सी चीज़ और कौन सी शीट इस्तेमाल होनी चाहिए। सो बेसिकली जो मेरे रेलिवेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको बताई हैं। मज़ीद अगर आप इनमें इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।